जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ रीजनिंग का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। तीन वीडियो आपको दी जा चुकी है, उनमें तीन चैप्टर क्लियर कर दी गई है। यह आपका फोर्थ चैप्टर है और बहुत ही रोचक है, और आप सभी जो कमेंट करते हो, रिप्लाई करते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दो, क्योंकि मैं जो कराता हूँ एक प्रश्न में आपको कराता हूँ और दूसरा उससे रिलेटेड प्रश्न पूछता रहता हूँ। तो कॉपी पेन लेके बैठो, प्रश्नों को सॉल्व करो और उसी समय उत्तर दो, ठीक है? यदि आप उत्तर नहीं देते हो, इसका मतलब है आप सही से तैयारी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है श्रृंखला। श्रृंखला क्या होता है? श्रृंखला जो होता है वह एक अक्षर का होता है, अंकों का होता है, और यह क्या होता है कि क्रम होता है। और ये जो क्रम होता है वह अग्रसर या पीछे की तरफ, ये जो क्रम होगा या आगे भी हो सकता है, अग्रसर या पीछे भी हो सकता है, ठीक है? तो यह आपका श्रृंखला कहलाता है। इस श्रृंखला में हम लोग अक्षर, और अक्षर में जैसे कि आपका इंग्लिश लेटर्स होता है, ठीक है, तो ए से जेड तक, तो उनका प्रयोग किया जाएगा बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है? और फिर आपका संख्या होगा, संख्या में गैप होगा, तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है? तो मेनली जो आपको याद रखना है वह यह पोजीशन होता है। देखिए ये पोजीशन होता है जो आपको याद करना होता है। यहाँ पर आपको अक्षर दिया गया होता है और उसका क्रमिक मान दिया गया होता है, जैसे ए पहले पे, बी सेकेंड पे, सी थर्ड पे, ठीक है? तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ, क्योंकि इसी पर यह पूरा चैप्टर है, ओके? और देखिए जैसे कि विपरीत क्रम में आपका जेड का फर्स्ट हो गया, ठीक है, वाई का सेकेंड हो गया, एक्स का थर्ड हो गया, ये विपरीत क्रम है, इसको आप याद कर लो, पूरे चैप्टर में यह प्रयोग होने वाला है। तो इसमें जितने भी प्रश्न होंगे मैं सॉल्व करूंगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सिमिलर वो मैं आपसे पूछूंगा। तो कृपया पूछे गए प्रश्न का उत्तर जरूर दें। चलिए आपका प्रश्न उत्तर शुरू होता है। पहला प्रश्न आपका दिया गया है बी ई एच के एन। अब नेक्स्ट क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस दिया गया है, क्या क्रम दिया गया है, ये आपको बताना होगा। जैसे आप एबीसीडी पढ़ते हैं तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद ई कब आता है? जब हम बी के बाद तीन कदम चलते हैं, कैसे, सी डी और ई, तब जाकर ई पे पहुंचते हैं, अर्थात बी प्लस थ्री इक्वल्स टू ई हो गया, ठीक है? अब देखिए आपको दिया ई, तो ई के बाद कितना चलेंगे, एच पे आएंगे, तो ई के बाद हम फिर तीन चलने वाले हैं, कैसे, तो एफ जी एच, तब जाकर हम पहुंचे एच पे। उसी प्रकार प्लस थ्री चलेंगे के पे पहुंचेंगे, फिर प्लस थ्री चलेंगे एन पे पहुंचेंगे, और एन से जब प्लस थ्री चलेंगे तो किस पे पहुंचेंगे बताइए, तो एन के बाद क्या होता है, ओ पी क्यू, क्या है आपका, क्यू आ गया थर्ड पोजिशन पे, तो उत्तर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका दिया गया है सी डी एफ आई एम। यहां पर तो सब में प्लस थ्री था, प्लस थ्री था, ठीक है, लेकिन यहां पर डिफरेंस दे दिया गया है। देखिए सी से डी जाते हैं, क्या होता है, प्लस वन, ठीक है, डी ई एफ प्लस टू, एफ जी एच आई प्लस थ्री, जे के एल एम प्लस फोर, अब क्या चलना है, प्लस फाइव, एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, पहुंच गए आर पे, उत्तर क्या हो जाएगा, टू का ए हो जाएगा, ठीक है? तो यही सब चीजें पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका दिया गया है वाई आर एल जी सी। अब पहले मैंने आपको ये बढ़ते क्रम बताया, ठीक है, ये जो क्रमांक था यह बढ़ते क्रम में था, लेकिन अब जो प्रश्न पूछ दिया इसमें घटते क्रम का क्रमांक है। यहां पर आपको y दिया गया है और y r दिया गया है, तो y से r कैसे आएंगे, जब हम अपोजिट चलेंगे तब आएंगे, ठीक है, कैसे, y से चले x w v u t s r, एक दो तीन चार पांच छह सात, अर्थात y से माइनस सात किए तो जाकर हम r पर पहुंचे, ठीक है? अब यदि R से L जाते हैं तो कैसे चलना पड़ेगा, Q P O N M L, ठीक है, अर्थात माइनस सिक्स। यहां पर क्या है, ये आपका L से G माइनस फाइव है, G से C माइनस फोर है, C से माइनस थ्री करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका B A और Z निकल के आएगा, अर्थात एक दो तीन, तीसरा पोजीशन आपका Z है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, तो थर्ड का A उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना मजेदार।
फोर्थ आपका दिया गया है ई बी एच एफ के जे डबल एन और क्यू, नेक्स्ट क्या होगा? बड़ी ही रोचक प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। देखिए यहां पर ई दिया गया है, उसके बाद एच, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, फिर ये चले यहां पहुंचे, ठीक है, फिर यहां से चले के पे पहुंचे, फिर एफ से चले जे पे पहुंचे, ठीक है, एक एक कदम सबको बढ़ाइए, फिर ये बढ़ा एन पे पहुंचा, जे बढ़ा एन पे पहुंचा, ये बढ़ा क्यू पे पहुंचा और एन बढ़ा, तो आपका नेक्स्ट टर्म जो है वह पूरा होगा, इस बात का आप ख्याल रखना, ये इसके लिए बनाया था। तो ई से एच कितने में? +3 में, ठीक है, एच से के +3 में, के से एन +3 में, एन से क्यू +3 में, ठीक है। अब नीचे का टर्म देख लेते हैं, बी से एफ कितने में जाते हैं? तो बी से एफ प्लस में जाते हैं, तो बी से एफ +4 में जाते हैं, सी डी ई एफ, ठीक है। एफ से जे कितने में जाते हैं? +4 में जाते हैं, ऊपर का जो बन रहा था वह +3, नीचे का +4, अर्थात एन से हमें +4 जाना है, तो एन से +4 क्या हो जाएगा? ओ पी क्यू आर। अगला टर्म जो होगा वह आपका आर होगा, तो आर देखिए कहाँ दिया गया है? 4 के डी में दिया गया है, इसलिए 4 का डी उत्तर हो जाएगा। और जब भी इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे, तो पहले आप कॉम्बिनेशन देख लेना किसका पूरा है और किसका नेक्स्ट बारी आने वाला है, तभी प्रश्न सही बनेगा। क्योंकि यहां पर यदि हम +3 कर देते हैं तो हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर दोनों एन ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा आपका दिया गया है बी डी डी जी जी के पी। अब इसमें जो दिया होता है, इसमें फर्स्ट फर्स्ट का संबंध होता है, सेकंड सेकंड का संबंध होता है। ये जो फर्स्ट वाला है इसका संबंध इसके फर्स्ट से होता है, और ये सेकंड वाला है इसका संबंध इससे होता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें यहां पर फॉलो करना पड़ता है, इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आइए अब इसके संबंध में ढूंढते हैं और इसी से अगला संबंध हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब बी से डी गए, बताइए बी से डी जाएंगे कितना चलना पड़ेगा? 2 चलना पड़ेगा, ये आपका +2 का संबंध है, ठीक है। डी से जी गए कितना चलना पड़ेगा? +3 चलना पड़ेगा, ई एफ जी, ठीक है। जी से के गए कितना चलना पड़ा? +4 चलना पड़ा, ठीक है। और के से +5 चलेंगे तो हम नेक्स्ट टर्म पे पहुंचेंगे, तो के से +5 चलिए, एल एम एन ओ पी, अर्थात आपका पहला टर्म पी आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नीचे वाले को कॉपरेट करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। डी से जी, तो डी से जी कितना होता है? +3, ई एफ जी, ठीक है, +3। जी से के क्या है ये आपका? ये आपका +4 है, ठीक है। के से पी, ये आपका +5 है, और पी से +6 करेंगे तो हम नेक्स्ट टर्म पे पहुंचेंगे, तो +6 कीजिए, क्या हो जाएगा? पी क्यू आर एस टी यू भी, है ना, 3 3 6, ठीक है। क्या आएगा यहां पर? भी आ जाएगा, तो उत्तर क्या हो गया? पी भी हो गया ना, तो पी भी यहां पर आपको 5 के ए में दिया गया है, तो 5 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बारी पूछने की, सिमिलर प्रश्न आपका 6 है, तो चलिए 6 बताइए हमको, ठीक है, 6 वाला आप बताओगे। अब आगे बढ़ता हूं, सातवां दिया गया है, देखिए यहां पर ये 3 कर दिया गया, इसमें थोड़ा संबंध बताने में दिक्कत होती है, तो इसको हम लोग उधर सॉल्व करेंगे राइट साइड में। जैसे यहां पर दिया गया है जेड एल एक्स डब्ल्यू एन डब्ल्यू टी पी वी क्यू आर यू, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये टर्म आपको बताना है। चलिए इसको मैं राइट साइड में करके दिखाता हूं, जब भी ऐसे प्रश्न हो तो उनको कुछ इस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है। कैसे लिखोगे? जेड एल एक्स डब्ल्यू एन डब्ल्यू टी पी वी, ठीक है, क्योंकि दो में हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे करके कर लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट टर्म क्या था? क्यू आर यू, फिर नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा है कि इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो यहां पर ये रिलेशन हमें ढूंढना पड़ता है। तो जेड से डब्ल्यू के बीच क्या रिलेशन है? यदि हम जेड से डब्ल्यू की तरफ जाते हैं तो हमें विपरीत दिशा में चलना पड़ता है, तो कितना चलना पड़ता है? तो हमें 3 चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर -3 हो गया, डब्ल्यू से टी -3 हो गया, टी से क्यू -3 हो गया, और क्यू से -3 चलेंगे तो क्या आएगा हमारा? तो ये हमारा एन चला आएगा, ठीक है, तो आपका पहला मिल गया। चलिए दूसरा ढूंढते हैं, एल से एन के बीच क्या संबंध है? एल एम एन प्लस का संबंध है, +2, एन से +2 पी हो गया, पी से +2 आर हो गया, और आर से +2 क्या हो जाएगा? चलिए
आर से प्लस टू ले चलिए, आपका टी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया गया है एक्स डब्ल्यू क्या है, माइनस वन का संबंध है, उल्टा चल रहा है ना, डब्ल्यू वी माइनस वन का संबंध है, वी यू माइनस वन का संबंध है, यू माइनस वन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, अर्थात हमारा जो निकल के आता है वह एन टी टी निकल के आ जाता है। ढूंढिए कहां दिया गया है, एन टी टी यहां पर सेवन के डी में दिया गया है, तो सेवन का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पेन पेपर लेके बैठना है तो बैठे हुए हो। चलिए ये प्रश्न बताइए आठवां, ये एकदम सिमिलर है और जिस तरीके से मैंने बताया वैसे लिखकर आप इसे आसानी से कर लोगे, तो आठवां आप बताओगे, ठीक है। दो प्रश्न हो चुके हैं, इन दोनों का उत्तर दो, और ही प्रश्न जो सिमिलर आएंगे वो मैं आपसे पूछता रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, यहां पर दिया गया कि 9 से लेकर 16 तक दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। यहां पर दिया गया है 4, 9, 16, 25, 36, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4 क्या यहां पर 2 का स्क्वायर है, 9 क्या यहां पर 3 का स्क्वायर है, 16 क्या यहां पर 4 का स्क्वायर है, अर्थात ये स्क्वायर चल रहा है, ये 6 का स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, क्या हो जाएगा 9 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक लॉजिक को आप क्लियर रखें, प्रश्न आपका सॉल्व होता रहेगा। अगला देखिए 10 दिया गया आपको कि 1, 8, 27, 64, अभी मैंने आपको क्या बताया था स्क्वायर का बताया था, अब यहां पर क्यूब दे दिया गया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहां पर 5 का क्यूब आएगा। चलिए बताइए 5 का क्यूब क्या होगा, उत्तर दीजिए इसका भी 10 का। 11 आपका दिया गया है 7, 10, 8, 11, 9, 12, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये थोड़ा लॉजिकल है, चलिए इस लॉजिक को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 और 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8, 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11, 11 माइनस 2 इक्वल्स टू 9, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा +3, 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12, 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, तो 10 देखिए यहां पर 11 के ए में दिया गया है, तो 11 का ए उत्तर हो जाएगा। ये आपके सीरीज वाले प्रश्न, ये मजेदार था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पे हम सभी स्टडी अपडेट्स के स्टूडेंट्स को एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ पर आपको डे बाय डे डेली जो अपडेट आते हैं जॉब के, उसके लिंक्स एवं उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स होता है उसका लिंक, या फिर आपका एडमिट कार्ड आए या फिर आपका रिजल्ट आए, तो उन सभी के लिंक यहाँ पर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो आप भी आइए, आप भी ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ओके। 12 आपको दिया गया है 25, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फिर आपको दिया गया 27, 58। अब पहले क्या करते हैं कि इनके बीच संबंध निकालते हैं, 25, 27, 58 कैसे आया यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों के बीच संबंध क्या है बता सकते हैं, तो 2 × 2 + 1 करके हमारा नेक्स्ट टर्म चला आता है ना। यदि यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करें, 5 × 2 + 1 = क्या हो जाएगा 10 + 1 = 11 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सही है क्या, 11 × 2 + 1 अर्थात 22 + 1 = 23। तो देखिए ये लॉजिक तो हमारा गलत हो गया, ये हमने यदि +1 + 1 किया तो ये गलत हो गया। यदि यहाँ पर हम लोग एक एक इंक्रीज करके ऐड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया 5 × 2 + 1 किया, +1 तो हमने यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर +2 ऐड कर दो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगा 12 × 2 और +1 की जगह +3 हो जाएगा, क्योंकि यह थर्ड टर्म है, तो ये क्या होगा आपका 24 + 3 = 27, ये कंडीशन आपका फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है, ये जो मैंने यहाँ पर किया ये गलती इसलिए किया ताकि आप सीखो, ये नहीं कि यहाँ पर यदि एक दे दिया तो आप नेक्स्ट टर्म पे एक ही लिखना, नहीं, इसको चेक करना होता है माइंड से, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया ताकि आपका माइंड क्लियर रहे। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टर्म आएगा वह होगा 12, ठीक है। तो 12 देखिए यहाँ पर 12 के ए में दिया गया है, तो 12 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मजेदार है ना। 13 आपको दिया गया है 34, 7, 44, 8, 58, यहां पर क्या होगा नेक्स्ट टर्म 68, 14, बताइए कैसे आया। यहां पर देखिए 3 + 4 = 7 अर्थात इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट टर्म है, इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट टर्म है, इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट टर्म है, तो 8 + 5 क्या होगा 8 + 5 = 13, 13 यहां पर बी में दिया गया है, तो 13 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 14 आपका दिया गया है 2, 3, 5, 8, 13,
नेक्स्ट टर्म क्या है? बहुत ही आसान है, जल्दी बताइए यह प्रश्न, ही बताइए आप जल्दी से। 15 आपको दिया गया है, 2, 6, 12, 20, नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2, 6, 12, 20 कैसे आ रहा है, कुछ आइडिया है यहाँ पर आपको? यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 6 आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 12 आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 20 आ गया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू क्या देगा, 25 प्लस 5 इक्वल्स टू 30, है ना। तो देखिए 15 के सी में दिया गया है, तो 15 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 आपको दिया गया है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा, ये आपको अभाज्य संख्याएं दी गई है। चलिए आपका एक और टेस्ट, आप यदि अभाज्य संख्या जानते हैं तो नेक्स्ट नंबर आप बताएंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। यहाँ पर आपका 2 देखिए, 2 या तो 1 से या 2 से डिवाइड होगा, 3 दिया गया है, तो लगातार जो है 17 के बाद नेक्स्ट आपका अभाज्य संख्या क्या है यह आपको बताना है, क्योंकि भाज्य अभाज्य आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो यह प्रश्न आप बताओ, बहुत ही आसान है, ठीक है। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक वेबसाइट बनाया गया है। इस वेबसाइट पे आपको सारी स्टडी मटेरियल्स एज वेल एज रिसेंट जॉब्स रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड डिफेंस सेक्टर के, आपके इंडियन आर्मी हो गए, CISF हो गया, SSC GD हो गया, और जो भी डिफेंस से रिलेटेड है वो सभी यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका रिसेंट पोस्ट है, ये आपका रिसेंट जॉब्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका रिसेंट न्यूज जो भी आता है वो डाल दिया जाता है, ये आपके एडमिट कार्ड्स के टैब हो गए, ये रिजल्ट्स के टैब हो गए, ये इंडियन आर्मी भर्ती से रिलेटेड जो भी भर्तियां आती हैं वो यहाँ डाली जाती है, ये आपका रिसेंट पोस्ट है जो पोस्ट डाला है, एवं ये आपका जॉब न्यूज है, ये आपका जीके का टैब है, इसमें जीके के जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं या फिर आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो डाला जाता है, ये आपका हिंदी का टैब हो गया, इसमें हिंदी से रिलेटेड जो भी PDFs होती है सब डाली जाती है, ये आपका ट्रिकी मैथ्स का हो गया, तो इसमें ट्रिकी मैथ्स के सारे PDFs डाल दिए गए हैं जिसमें कि आप इजीली मैथ्स के क्वेश्चंस को हल कर सकोगे, ठीक है। ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, SSC GD का है, CISF का, जो जितना भी PDFs है प्रीवियस ईयर का हो या रिसेंट एग्जाम्स का हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, तो सारे यहाँ पे डाले जाते हैं, देखिए इंडियन आर्मी के सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर डाल दी जाती है, तो आइए वेबसाइट को विजिट कीजिए और सारी जानकारी हासिल कीजिए, और यहाँ जो भी यूजफुल चीजें आपको लगे उसे इकट्ठा करें, पढ़ाई करें और जल्द से जल्द जॉब को हासिल करें। अब आगे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 17 से लेकर 24 तक दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह जो दिया गया उसके स्थान पर कौन सा पद होगा ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है C5, E10, G15, I20, K25, और नेक्स्ट टर्म क्या है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर टू टर्म्स के आ गए, ठीक है। देखिए टू टर्म्स के जो प्रश्न होते हैं उसको हम लोग आसानी से इस प्रकार लिख के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन तीन का नहीं कर पाते हैं इसलिए मैंने राइट साइड में किया था। तो चलिए यहाँ पर देखिए सी से ई, तो सी से ई के बीच कितना का डिफरेंस है, प्लस टू का, सी डी ई, ठीक है, तो प्लस टू हो गया। ई से फिर जी जाइए तो कितना होता है, प्लस टू, ठीक है। फिर जी से आई जाइए, प्लस टू, अर्थात प्लस टू का यहाँ पर डिफरेंस दिया गया, ठीक है। तो के बाद यदि हम प्लस टू कर सकते तो क्या हो जाएगा, एल एम, तो यहाँ पर क्या हो गया, एम आ जाएगा, आपका पहला टर्म जो है लीटर में वो एम हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 से 10, तो 5 से 10 कितने का डिफरेंस है, प्लस 5 का, 10 से 15, प्लस 5 का, 15 से 20, प्लस 5 का, 20 से 25, प्लस 5 का, तो 25 से प्लस 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो M30 आपको ढूंढना है, M30 देखिए कहाँ दिया गया है, ये आपके 17 के A में दिया गया है, तो 17 का A उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 18 आपका दिया गया है W6T9Q12N15, देखिए यार सिमिलर प्रश्न है, बस यहाँ पर ये अंतर है कि इसको विपरीत दिशा में ले गया, W से T -3, ठीक है। चलिए एक मैं बता देता हूँ, ये आपका -3 और 6 से 9 ये आपका +3, ठीक है। तो -3 +3 कुछ यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर लाया गया है, तो यह प्रश्न सिमिलर है, आपको बताना है, ठीक है। 19 आपको दिया गया है A75 C69 E63 G57, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है A C A+2C, ठीक है, A+2, यदि हम A से 2 जाते हैं B और C, ठीक है, तो हम C पे पहुंचते हैं, C+2, तो E आता है DE, ठीक है, E+2 FG, ठीक है, G H I, +2 कीजिए, यहाँ पर क्या आ गया आपका, I आ गया ना। अब देखिए
69 क्या है, यहां पर उल्टा किया हुआ है, माइनस इसमें क्या हुआ है, माइनस सिक्स, ठीक है। ये देखिए 69 और 63 क्या है, माइनस सिक्स, फिर आपका 63 और 59 माइनस सिक्स, फिर 57 यदि हम माइनस सिक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, 51 आ जाएगा। तो आई 51 ढूंढना है, तो आई 51 यहां पर देखिए ए में दिया गया है, तो 19 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 आपका दिया गया है, X12, T14, P17, L21, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो XT, X से -4 इक्वल्स टू T, T से -4 इक्वल्स टू आपका P, और P से -4 इक्वल्स टू L, और L से -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H आ जाएगा आपका, ठीक है। और फिर आपका देखिए यहां पर 12, 14, 17, 12 प्लस 2 14 प्लस 3 17 प्लस 4 21 प्लस 5 26, H 26 आपको ढूंढना है। तो ये आपके 20 के D में दिया गया है, तो 20 का D उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 21 दिया गया है, A4Z, B9Y, C16X, D25W, ठीक है। अब ये फिर आपका तीन वाला दे दिया, ठीक है, A4Z, B9Y, C16X, D25W, तो हमें नेक्स्ट टर्म पता करना है, ठीक है। अब देखिए AB कितना हुआ, प्लस वन, BC प्लस वन, CD प्लस वन, D प्लस वन इक्वल्स टू E हो जाएगा, ठीक है, पहला टर्म E है तो सभी में दिया गया है। अब देखिए 4 9, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, 9 प्लस कितना हुआ यहाँ पर 7, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7, फिर आपका नेक्स्ट टर्म क्या जाएगा, 7 प्लस 2, ठीक है, तो 1625 इक्वल्स टू 9, अब 9 प्लस 2 यहाँ पर 11 ऐड हो जाएगा, तो 25 प्लस 11 इक्वल्स टू 36, E36, ठीक है, देखिए दो में दिया गया E36। अब नेक्स्ट वाले से क्लियर कर लेते हैं क्या हो जाएगा, ZY, ZY माइनस 1 उल्टे चलने पे आता है, YX माइनस 1, XW माइनस 1, W से माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो W से माइनस 1 आपका V हो जाएगा, ठीक है, STUVW, है ना, तो क्या आ गया आपका E36V, तो E36V यहां पर आपको B में दिया गया है, तो 21 का B उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 22 जो है वह भी सिमिलर है, इसी प्रकार का है, एक प्रश्न में आपको बताया यह सिमिलर प्रश्न है, तो यह आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब देखिए आपका 23 दिया गया है, ZB3, ठीक है, ZB3, UG6, PL10, KQ15, ठीक है, नेक्स्ट हमें पता करना है। अब Z से U कितना माइनस चला, Z से यदि हम माइनस 5 बार चलते हैं, अर्थात Z से यदि 5 कदम हम उल्टे चलते हैं तो U आता है, और U से हम कितने कदम उल्टे चलेंगे, 5 कदम, अर्थात माइनस 5, फिर P से 5 कदम उल्टे चलना है, माइनस 5, और माइनस 5 K से भी चलना है, तो माइनस 5 यदि हम K से चलना शुरू करते हैं तो हम F पे पहुंच जाएंगे, आपका पहला टर्म F वाला है, ठीक है। दूसरा टर्म ढूंढिए, B से G दिया गया है, अर्थात आगे की ओर बढ़ना है, तो B से G कब आता है, जब हम प्लस 5 जाते हैं, G से L प्लस 5 जाते हैं, और L से Q प्लस 5 जाते हैं, तो Q से प्लस 5 क्या आएगा, तो Q से प्लस 5 आपका B चलाएगा, तो FV आ गया, FV यहां पर 2 में दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए 3 और 6 प्लस 3, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 21, ठीक है, क्या गया आपका FV21, FV21 यहां पर C में दिया गया है ना, तो 23 का C उत्तर हो जाएगा। और 24 सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको निर्देश दिया गया कि प्रश्न संख्या 25 से लेकर 32 तक दी गई श्रृंखलाओं में गलत पद का चयन करना है। पहले तो हम श्रृंखला निकालते थे, लेकिन अब यहाँ पर पूर्ण श्रृंखला दी गई है, लेकिन इसमें एक गलती कर दी गई है जो कि श्रृंखला को गलत कर देती है, तो हमें उस गलत पद का पता करना है, ठीक है। अब देखिए 25 दिया गया है, WTQMKH, यहां पर देखिए गलती क्या है, W से T, अर्थात हमें उल्टा चलना है, ठीक है, तो W से यदि हम -3 चलते हैं, 3 बार उल्टा चलते हैं तो T पे पहुंचते हैं, T से -3 चलते हैं तो Q पहुंचते हैं,
और क्यू से माइनस थ्री चलते हैं तो एन पे पहुंचते हैं, ठीक है, एम नहीं होगा। और एन से माइनस थ्री चलते हैं के पहुंचते हैं, के से माइनस थ्री चलते हैं एच पहुंचते हैं। यहां पर गलती क्या था, ये आपका एम वाला था, तो 25 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कैसे चले, तो जेड वाई एक्स इस प्रकार से एक ही तरफ आ गए। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म आपका 26 दिया गया है, इसमें आपको बी टी टी क्यू एफ एन आई जे जे एच एल क्या करना है, हमें टर्म बनाना है, इसका इसका और इसका इसका, ठीक है। चलिए, मैंने आपको इतना हेल्प दिया, इतना ही काफी है। 26 आप बताओगे, एक प्रश्न आप, एक प्रश्न में बहुत ही मजा आएगा, जब चीजों को करोगे ना तभी समझ में आएगी, बाकी वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता यदि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो यार। 27 आपका दिया गया है, 4 7 11 15 22 29। अब बताइए यहां पर क्या है, 4 7 क्या है, यहां पर प्लस 3 दिया गया है, 4 + 3 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 5 = 16 होना चाहिए, और 16 + 6 = 22, 22 + 7 = 29, अर्थात यहां पर क्या होना चाहिए था, 16 होना चाहिए, तो 15 गलती दी गई ना, तो 27 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 28 आपको दिया गया है, 2 5 10 23 47, जो हमने प्रीवियस में किया वही सारी चीजें यहां पर दी गई है। तो 2 5 कैसे आया था, 2 × 2 + 1 = क्या आया था, 5 आया था, अब 5 से 10 तो 5 × 2 + 1, ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, 11। नेक्स्ट देख लीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट भी देखना है, 11 × 2 + 1 = क्या होगा, 23। चलिए फिर फुल हो रहा है, 23 × 2 + 1 = 47, चलिए फिर फुल हो रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गलती दी गई है 10 में, तो 28 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 29 आपका दिया गया है, 12 QP 14 OS 16 NU 18 MW 20 LY, 12 + 2 = 14, 14 + 2 = 16, 16 + 2 = 18, 18 + 2 = 20, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए QO, तो Q से माइनस टू जाते हैं तो O आता है, और O से N माइनस वन, N से M माइनस वन, M से L माइनस वन, अर्थात गलती यहां पर दी गई है, हमें एक ही कदम उल्टा चलना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, P होना चाहिए था, ठीक है, तो ये आपका गलती दिया गया है, आपका यहीं पे पता चल जाता है। तो 12 QP आपको ढूंढना है, ये आपके बी में दिया गया है, तो 30 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इस तरह से फिलफुल होते हैं, आपने देख लिया क्या होता है कि इसमें सरासरी एक जैसा होता है, और जिसमें भी थोड़ी सी भी गलती होगी, थोड़ी सी भी डिफरेंस हो गई, वो आपका इनमें से विलोम हो जाएगा, तो वही हमें छांट कर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 दिया गया है, D6K F5L H4M J3N B 12O। अब बताइए, सिमिलर प्रश्न है ना, आप कर लोगे ये प्रश्न, तो चलिए ये प्रश्न और ये प्रश्न, ये दोनों सिमिलर प्रश्न ही है, तो ये दोनों प्रश्न आप कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अलग टाइप बताते हैं आपको, ये सिमिलर टाइप है। अब अगला टाइप जो हुआ 33 से 40 के बीच है, तो चलिए उस टाइप को भी कर लेते हैं। अब देखिए 33, इसमें क्या है कि हमें फिलफुल करना पड़ता है जो भी खाली स्थान है, तो इसमें सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि जो सबसे ज्यादा लेटर लगातार लिखा गया हो उसको आप पकड़ो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सबसे ज्यादा बार है, 4 बार। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, URFO, अर्थात F के आगे O रहेगा, तो F के आगे O डाल दीजिए, F के आगे O है, F के आगे O डाल दिए, ठीक है। अब देखिए यह सबसे बड़ा अभी भी यही बन रहा है, FOUR FO, ठीक है, अर्थात जो लेटर बन रहा है वह बन रहा है FOUR 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 FOUR। तो यहां पर क्या खाली था, ये खाली था FROUR O, ठीक है, ये आपको ढूंढना है। देखिए कहां दिया गया है, तो यह आपके ए में दिया गया है, FROUR O, ठीक है, तो 33 का ए उत्तर हो जाएगा। अब सिमिलर प्रश्न ऐसे ही हैं, एक दो और बता देता हूं, बाकी आप प्रश्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट में आपका 5 दिया गया है, चलिए ढूंढ के बताइए, ठीक है, यहां पर 5 लिखना है, इसको बताइए। 35 आपका दिया गया है, ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा अलग है, चलिए बताते हैं। यहां पर दिया गया है DBLD BOL BO और D, तो सबसे बड़ा क्या है आपका, BOL है, ठीक है, तो
तो ओ के आगे एल लगा दो। यहां पर देखिए एक वर्ड पूरा हो गया, बी ओ एल डी पूरा हो गया ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी ओ एल डी हो जाएगा। यहां पर देखिए बी ओ हो जाएगा, यहां पर देखिए बी ओ एल डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या खाली था, बी खाली था, एल खाली था, ओ था, डी एल था। ठीक है, आपको ये ढूंढना है बी एल ओ डी एल, ये कहाँ दिया गया है। तो ये आपके देखिए बी एल ओ डी एल आपके बी में दिया गया है, तो 35 का बी उत्तर हो जाएगा। सिमिलर आपका 36 भी है, ठीक है, तो वो अभी आप बताइए। सिमिलर सिमिलर प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए बार बार मैं इन्हें नहीं करूंगा, आप एक प्रश्न देखो और दूसरा मुझे करके बताओ। 37 देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें तो वर्ड्स दिए गए हैं इसलिए थोड़े आसानी से ये सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वर्ड्स नहीं दिए आते हैं, बस एक सीरीज होता है, जैसे कि आपको दे देगा ए एक्स वाई जेड, इसका सीरीज दे देगा, उसमें बिना वर्ड्स के दिया, बिना मीनिंग के, तो भी आपको ऐसा करना पड़ता है। यदि ऐसा एग्जाम्पल इसमें होगा तो मैं करा दूंगा, तो वैसे प्रश्न मैं ढूंढकर आपको बताऊंगा। फिलहाल जो यहाँ पर दिया गया है प्रैक्टिस सेट में उसे आप कर लें। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सबसे ज्यादा बार कौन सा लिखा गया है, ओ आर ई, ठीक है, ओ आर ई यहाँ पर लिख दीजिए, ओ आर ई। अब ये क्या बन गया आपका, एम ओ आर ई, एम ओ आर ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम ओ आर ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम ओ आर ई। ठीक है, तो क्या फिलहाल करना था, एम ई ओ एम आर, ठीक है, ये ढूंढिए कहाँ दिया गया है, तो ये आपके ए में दिया गया है, तो 37 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 38 भी उसी प्रकार से दिया गया है, 39 भी उसी प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर प्ले वर्ड का प्रयोग किया गया है, ठीक है, प्ले, यहाँ पर आपको होम वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो इन सबको फिलफिल करके आप उत्तर दो, रिप्लाई करो मुझे, क्योंकि ये सब सिमिलर प्रश्न है और बार बार सिमिलर प्रश्न बताने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है आपको। प्रश्न करो, प्रैक्टिस सेट्स है, मैं आपको तरीके समझा रहा हूँ, और यदि आप तरीका समझ जाते हैं तो प्रश्न को आसानी से कर लोगे। चलिए ये आपका आखिरी प्रश्न है, 40 दिया गया है, 12-45-23-51-34-। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लो 2 के बाद 3 है, 4 के बाद 5 है ना, और 1 के बाद 2 है, तो कुछ ऐसा ही फील करते हैं, तो 1 के बाद 2 फील कर देते हैं, ठीक है, 3 के बाद 4 है, 3 के बाद 4 फील कर देते हैं, और 4 के बाद देखिए 5 दिया गया है, तो 4 के बाद 5 फील कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या जाएगा, 2 है, 2 2 के पहले क्या है, 1 है, 1 फील कर देते हैं, 4 के पहले क्या है, तो 4 के पहले 3 है, 3 फील कर देते हैं, क्या निकल के आ गया, यह आपका 3-1-4-2-5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3-1-4-2-5 यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 40 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में कुल प्रश्नों की संख्या 40 थी, जिनमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो उस प्रश्नों का उत्तर आप दें, क्योंकि सिमिलर प्रश्न मैंने आपको करके बता दिया, तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर चाहिए मुझे। जो आप उत्तर करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं उसे स्टेटस पे भी डालता हूँ, जो यूट्यूब का स्टेटस होता है वहां भी आपको ये शो करता है, तो जो सबसे अच्छा रिप्लाई करते हैं, जो सभी प्रश्नों का रिप्लाई करते हैं, वह कमेंट आपको स्टेटस पे डाला जाता है, तो आप वहां भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।